हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सूचना। दोस्तों, DSSB की तरफ से आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 6 पोस्ट कोड की रिगार्डिंग। तो डिटेल में चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल सके और ऑल इंडिया टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग अपडेट भी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज हमारी 24 मार्च 2022 मोस्ट अर्जेंट नोटिस है, ये अभी अभी आया है। डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट आंसर की फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन एज पर डिटेल गिवन ब्लो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सी हमारी पोस्ट थी, पोस्ट कोड क्या था और एग्ज़ाम कब हुआ था। तो सबसे पहले हमारा असिस्टेंट इंजीनियर, पोस्ट कोड है 14/21, इसका एग्ज़ाम 8 मार्च को हुआ था। उसके बाद है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, पोस्ट कोड 26/21, इसका एग्ज़ाम 8 मार्च और 13 मार्च को हुआ था। ड्राफ्टमैन ग्रेड 1, पोस्ट कोड है 16/21, इसका एग्ज़ाम 13 मार्च को हुआ था। जूनियर इंजीनियर, पोस्ट कोड 24/21, इसका एग्ज़ाम 16 मार्च को हुआ था। फार्मिस्ट होम्योपैथी 20/21 पोस्ट कोड, और असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट कोड 21/21, इसका एग्ज़ाम 20 मार्च को हुआ था। तो इन सभी की आंसर की आ गई है, और जो आंसर की है वो आपको जो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है हम अभी आपको बताने वाले हैं, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड करना है। और इसका जो लिंक है वो अवेलेबल रहेगा आपका 24 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 तक। तो आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो जिन जिन ने ये पेपर दिया था वो अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको कैसे आंसर की डाउनलोड करनी है। तो हम हैं DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको ये लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक फॉर DSSB ऑनलाइन CBT एग्जाम्स हेल्ड फ्रॉम 8 to 20 मार्च 2022 फॉर द पोस्ट कोड 14/21, 26/21, 16/21, 24/21, 20/21 और 21/21 जो हमने अभी अभी आपको बताए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर ओके। इसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फिर कैप्चा एंटर करना है और फिर यहाँ से लॉगिन करना है। इसके बाद आपका आंसर की डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी DSSB की तरफ से आई हुई अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।